हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारा डेली करंट अफेयर का स्पेशल टॉपिक है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जलवायु वित्त वर्गीकरण एवं भारत में हरित ऊर्जा। ये आपका एक प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम बात कर रहे हैं एक नए मुद्दे पर, जो वैश्विक पर्यावरण है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, और जो परंपरागत ऊर्जा है उसको खत्म करके कैसे हम हरित ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि जलवायु वित्त वर्गीकरण क्या है और एक किस प्रकार से हरित ऊर्जा में योगदान दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है और बजट में कई प्रकार की नई नई घोषणाएं की गई हैं। तो 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत करते हुए यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने यहां क्या कहा, वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया था उसमें इन्होंने घोषणा की है कि भारत सरकार जल्द ही जलवायु अनुकूलन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करेगी। ठीक, किसके लिए विकसित करेगी ये जलवायु अनुकूलन के लिए जो पूंजी की उपलब्धता है इसको बढ़ाने के लिए जल्द ही हम जलवायु वित्त वर्गीकरण को प्रारंभ करने वाले हैं। इसीलिए यह शब्द आपके चर्चा में बन जाता है और आने वाले एग्जाम में आप इस शब्द को खूब एग्जाम में देखने वाले हैं। अब देखिए, जलवायु वित्त वर्गीकरण, अब जब हम जलवायु वित्त वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये है क्या, किस चीज को हमने ये नाम दिया। तो यहां पर आप देखिए, जलवायु वित्त वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि भारत की अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को पूरा करने में ये मददगार होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये मददगार होंगे। आगे आएंगे, आगे यहां पर आके देखेंगे हम तो पाएंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण के तहत एक ऐसी प्रणाली को प्रारंभ किए जाने की योजना है जिससे हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, मानकीकृत विनियमनों और दिशाओं को तय कर सकते हैं। जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है कई सेक्टर्स में काम करती है, कई क्षेत्रों में काम कर सकती है, तो हम एक ऐसी प्रणाली प्रारंभ करेंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण के अंतर्गत जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हम मानकीकृत विनियमों और दशाओं को तय कर सकें। यहां पर आप पाएंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश और बैंकों का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। क्या करेगा ये देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा और बैंकों का मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ में आप देखेंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण के अंतर्गत कंपनियों को और इसमें निवेश करने वाले जो यहां पर समूह होंगे उनको पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने के लिए टिकाऊ एवं प्रभावी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब जब हम पर्यावरण से लड़ने की बात करते हैं, पर्यावरण को हम अपने अनुकूल बनाने की बात करते हैं, उसके लिए चाहिए आपको फंड। फंड कहां से आएगा, फंड आपका आएगा निवेशकों से और कंपनियों से। तो इन निवेशकों और कंपनियों से हम प्रोत्साहित करेंगे इन लोगों को और अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे कैसे हम यहां पर जलवायु संकट से निपटने के लिए यहां पर क्या है, टिकाऊ विकास की बात कर रहे हैं और प्रभावशाली निवेश को बढ़ा वृद्धि करने के लिए हम इनसे अनुरोध कर सकते हैं। अब जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक शब्द टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी शब्द क्या है, तो ये एक जीव विज्ञान बायोलॉजी से उत्पन्न शब्द है। इसका प्रयोग मुख्यतः हम पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित विभिन्न जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कई सारे देशों ने जलवायु संरक्षण के लिए और जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है इसको रोकने के लिए शून्य अर्थव्यवस्था यानी कि नेट जीरो इकोनॉमी की बात की है। अब नेट जीरो इकोनॉमी के लिए आपको कई सारे कार्य करने पड़ेंगे, कई सारे प्रयोजन करने पड़ेंगे। तो यहां पर जरूरी है कि नेट जीरो अर्थव्यवस्था या नेट जीरो इकोनॉमी को प्राप्त करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है। तो वैश्विक रूप से बढ़ रहे तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई देशों ने जीरो नेट का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक, तो जीरो नेट है मतलब
हम बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो इसे नेट जीरो कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कठोर नीति को यहां पर लागू किया जाए। अब देखिए, अब यहां पर आप पाएंगे नेट शून्य अर्थव्यवस्था क्या है। विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच एक संतुलन स्थापित करने की जो बात की जा रही है, यही आपकी नेट अर्थव्यवस्था का या नेट शून्य अर्थव्यवस्था का एक मुख्य बिंदु है। क्या है यहां पर? जो विभिन्न देश है हमारे, जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच में जो संतुलन है उसे स्थापित करने की बात कर रही है UNFCCC के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। अब यहां पर UNFCCC के नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आप देखेंगे जलवायु संकट से निपटने के लिए एवं उससे अधिक वित्त पोषित प्राप्त करने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी। जो निवेशकों, ऋण संस्थाओं आदि के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त करने में भी क्या होगा, ये मददगार साबित होगा। अब यहां पर आप देखेंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में हरित निवेश करने वाले निवेशकों के निवेश के अवसरों की तुलना में एवं उनके पर्यावरणीय प्रभाव को मापने में भी मददगार साबित होगा। ठीक। अब देखो, अब भारत में हरित वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो आपको पता होगा भारत में भी जो कार्बन उत्सर्जन है काफी अधिक है, तो इसे हम कम करके हम भी नेट जीरो जो टारगेट हमने फिक्स किया है 2070 तक उसे हमें अचीव करना है। तो यहां पर आप देखेंगे जलवायु वित्त वर्गीकरण, जिसे हम हरित वर्गीकरण भी कहते हैं, ये आवश्यक है भारत के लिए जो इसने अपना टारगेट निर्धारित किया है 2070 तक। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यहां पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भारत की 2018 से लेकर 2030 तक लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु स्मार्ट निवेश की क्षमता है। क्या है यहां पर? यहां पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 2018 से लेकर 2030 तक लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु स्मार्ट निवेश की क्षमता है। और यहां पर आप देखें जबकि वर्ष 2070 तक भारत की नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता के अनुमान था लगभग 10.1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया कि भारत ने जो अपना टारगेट निर्धारित किया है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का, उसके तहत यहां पर आप देखेंगे 2018 से लेकर 2030 तक लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु स्मार्ट निवेश की आवश्यकता होगी। लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे यहां पर हमें 10.1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होने वाली है अगर हम 2017 तक नेट जीरो कार्बन को प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहां पर भारत के संदर्भ में कुछ और बातें की गई हैं, जैसे कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सभी वाहनों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य लिए घूम रहा है। भारत कहता है कि हम 2030 तक अपने जितने भी वाहन हैं इन सबको विद्युत पर आधारित कर देंगे, जिसके लिए लगभग यहां पर आप देखेंगे 667 बिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी। देख रहे हैं आप कितना बड़ा अमाउंट है। अगर भारत 2030 तक सभी वाहनों को अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन में पत्र परिवर्तित करना चाहता है, विद्युतीकरण करना चाहता है, इसके लिए आवश्यक है 667 बिलियन डॉलर के निवेश की। एक बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भी अच्छा निवेश के रूप में यहां पर उभर रहा है। अब भारत में हरित ऊर्जा, अगर हम भारत में हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के 22 के अनुसार भारत वर्ष 2020 में सॉरी भारत 2021 में चीन और रूस के बाद नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के विकास में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत है ये 2021 में चीन और रूस के बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकास में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। फिर यहां पर भारत की जो 30 नवंबर 2022 की स्थिति थी इसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित अपनी कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 42% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ही प्राप्त कर रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने 1980 के दशक में ही गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना के साथ
अपने नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की भी स्थापना की। आपको पता होगा भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन की स्थापना की। मुख्यतः इसका जो उद्देश्य था कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य के देशों को इसमें शामिल करना था। आपको यहां पर मैं एक बार मैप बना के एक चीज दिखा देता हूं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर जब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई तो ये स्थापना मुख्यतः किस किसने की थी? ये स्थापना मुख्यतः भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। एक मिनट, भारत और फ्रांस ने मिलकर मुख्यतः की थी। यहां पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। बीच में यहां पर आप देखेंगे, बीच में क्या है, यहां पर बीच में यहां पर आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। और इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की तरफ, यहां पर नॉर्थ पोल है आपका, यहां पर साउथ पोल, ये मैं लिख देता हूं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब आप इक्वेटर से कहां जाएंगे, इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की जब तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री चलने पर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा एक देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से आप इक्वेटर भूमध्य रेखा से साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री चलने पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कौन सा पोल, यहां पर आप देखेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। और आपको ये जानकारी होगी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो भाग है यहां पर सूरज को प्रकाश है इन्हीं दोनों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। सन, यहां पर सूरज का प्रकाश ही लिख देते हैं जिससे ज्यादा समझ में आया, सूर्य प्रकाश। ठीक है, इन क्षेत्रों में हमें सूर्य का प्रकाश क्या है, सीधे सीधे प्राप्त होता है। अब यहां पर बात की गई कि जितने देश इस क्षेत्र में स्थित है इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम एक संगठन के तौर पर स्थापित करेंगे। और आरंभ में वही देश इसके संगठन सदस्य बन पाएंगे जो हमने यहां पर संगठन की स्थापना की थी, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ते थे। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि इन सभी देशों को एक ग्रिड से बनाना, एक ग्रिड में लेके आना जिससे हम यहाँ पर वैश्विक बिजली उत्पादन कर सके। ठीक, जिससे हम नवीकरणीय ऊर्जाओं के ऊपर अधिक निर्भर हो सके। इसीलिए यहां पर भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की थी। अब यहां पर आप देखेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए 11 जनवरी 2010 यहां पर क्या है, भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन के तहत 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बाद में हमने इसमें संशोधन किया और 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का हमने लक्ष्य 2050 तक निर्धारित कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे जब आप अपने शहर के बाहर जाते होंगे तो इस प्रकार के कई सारे सौर पार्क देखते होंगे, रेलवे के किनारे, बस स्टैंड के किनारे। तो ये उसी का उद्देश्य जिससे हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा को वृद्धि दे सकें। अब यहां पर आप देखेंगे वर्तमान में भारत की कुल जो सौर ऊर्जा क्षमता है ये लगभग 80,000 गीगावाट है। इसमें कई सारे स्रोत मौजूद हैं जैसे कि पवन ऊर्जा। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 30 नवंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार भारत में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 42,000 मेगावाट है, जबकि भारत की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, 10 लाख मेगावाट है। हमारी जो अनुमानित जो आपकी पवन ऊर्जा क्षमता है ये 10 लाख मेगावाट है। अभी हम 42,000 मेगावाट का ही उपयोग कर पा रहे हैं, अभी हमारे अपार संभावनाएं हैं। इस प्रकार के आप कई सारे पवन चक्कियों को देखते होंगे जो आपको बड़े बड़े क्षेत्रों में देखने को मिल जाती होंगी जिनसे हम बिजली उत्पादन करते हैं। फिर यहां था आप देखेंगे हरित ऊर्जा गलियारा। तो भारत सरकार के द्वारा 4 जनवरी 2023 को हरित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन के तहत आप यहां पर देखेंगे 2030 तक प्रतिवर्ष
5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन की उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया था। आगे यहां पर आप देखेंगे पनबिजली, तो भारत में पनबिजली की कुल दोहन क्षमता जो है ये लगभग 2.5 मेगावाट है, जिसमें से केवल 30% का ही वर्तमान में हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये मुख्यतः आपके बिजली से संबंधित यहां पर प्रावधानों की बात की गई है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की किस प्रकार से हम अपने बजट में नए नए प्रावधानों को जोड़कर जो हमारे टारगेट है उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री जी के द्वारा जलवायु वित्त वर्गीकरण की बात की गई है। तो ये आपका टॉपिक था। फिर हमने ये भी देखा कि भारत किन किन हरित ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर रहा है जिससे नवीन बिजली उत्पादन में लगा हुआ है। इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।